तो फाइनली आ चुके मास राजा आदित्य विक्रम की सिंघम अगेन के कोने एपिसोड में वापस है। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 16 चल रहा है एंड सैटरडे है भाई। देखेंगे हमें कितना बड़ा भाई जंप है वो देखने को मिल रहा है। यस अभी मॉर्निंग शोज हम देखने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं फ्राइडे के साथ। अभी 12 बजे तक टोटल ऑफ कितनी कमाई हो चुकी है, स्टेट वाइज नंबर है वो शेयर है वो करने वाले हैं। देखो आज सैटरडे है, बड़ा जंप है वो दिखाना होगा और हमें उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी, देख लेते हैं बड़ा जंप है या फिर नहीं है। इवन बुक माई शो की बात करें भाई, यहाँ पे तो बड़ा जंप है ही है। 3500 के आसपास हमें टिकट सब वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं लास्ट वन हावर। कल तो भाई आई थिंक ये हाईएस्ट था मे बी, और आज 11 से लेके 12 एंड इवनिंग में भी हमें इससे भी बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकते हैं। बट उससे पहले आज मुंबई भाई मामला स्ट्रांग है। मैंने सम शोज देखे, आज हमें ऑरेंज अब वो दिखाई वो दे रहा है, इवन आफ्टरनून के शोज हो या फिर इवनिंग के शोज क्यों ना हो। एंड यहाँ पे हमें ऑरेंज दिखाई वो दे रहा है, स्पेशली फॉर पीवीआर की बात करें। नेक्स्ट चेन्नई भाई, चेन्नई तो ऑलमोस्ट अभी हाउसफुल है वो देखने को मिल रहा है। सुबह ऑरेंज था बट शोज अभी अच्छे खासे खाली भी थे, बट अभी मैंने देखा ऑलमोस्ट हाउसफुल है वो हो चुके हैं। एंड ये कुछ इवनिंग के शोज है, ये कुछ भाई नाइट के शोज है। एंड चेन्नई आज अच्छी खासी ऑक्युपेंसी के साथ बिजनेस है वो आने वाला है यहाँ पे सिंघम अगेन का। इवन यहाँ पे बेंगलोर भी आप देखोगे काफ़ी बढ़िया जा रहा है आज, एंड काफ़ी अच्छी हमें ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है, आफ्टरनून हो या फिर इवनिंग शोज क्यों ना हो। ठीक, बुक माई शो में भाई ऑरेंज शोज है वो दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी अब नंबर देख लेते हैं, 12 बजे तक भाई नंबर है वो शेयर है वो करने वाले एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन एंड कंपेरिजन टू यस्टरडे सेम टाइमिंग। महाराष्ट्र 102 शोज 8% ऑक्युपेंसी एंड 2.37 लाख यस्टरडे, एंड टुडे 116 शो 3.95 लाख बिजनेस। हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा एज अ नंबर्स, बट यहाँ पे ओवरऑल जंप देखो कितना है। कल 2.37 आई नियरली 4 लाख के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम ही है। नेक्स्ट गुजरात 137 शोज एंड 1.37 लाख बिजनेस एंड 4% ऑक्युपेंसी, कल तो बुरा हाल था एंड आज 1.37 लाख है। ज़्यादा कुछ जम नहीं है भाई, गुजरात में ऑलमोस्ट अभी सिमिलर शोज गए हैं कंपैरिजन टू फ्राइडे एंड शोज आज है 132 कल 137। नेक्स्ट दिल्ली 82 शोज 8% ऑक्युपेंसी एंड 1.05 लाख एंड आज 1.75 लाख। भाई महाराष्ट्र बड़ा जम देखने को मिला है, एंड नेक्स्ट दिल्ली की बात करें हमें यही तो उम्मीद थी, ऑलमोस्ट 81 शोज है, कल थे 82, बिल्कुल सिमिलर शोज है। एंड या मॉर्निंग शोज में जंप तो है महाराष्ट्र एंड दिल्ली, गुजरात सिमिलर है। नेक्स्ट असम 15 शोज है एंड 47,450 प्लस, और आज भी ऑलमोस्ट इतने ही शोज है, 27,020 प्लस नंबर है। तो भाई यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट है वो देखने को मिली है, बट यहाँ पे ज़्यादा कमाई भी नहीं आएगी, शोज भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट यूपी ऑलमोस्ट 40 शोज एंड 44,830 यस्टरडे एंड टूडे समथिंग अराउंड 1 सेकेंड, हाँ 40 शोज है एंड 51,264 प्लस नंबर है। तो यह उत्तर प्रदेश में भी जंप है, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा भाई कम दिख रहा होगा, बट ओवरऑल जब हम नाइट में डिस्कशन करेंगे अब ये हज़ारों में है, तब मेरे भाई ये लाखों में रहने वाला है। ठीक, एंड हाँ 8% ओवरऑल ऑक्युपेंसी। नेक्स्ट मंगालिया भाई, यहाँ पे शायद कोई टेक्निकल इशू है, कल भी एक शो दिखा रहा था 60,000 नंबर था 100% ऑक्युपेंसी, जो कि आज भी भाई एक शो दिखा रहा है एंड लगभग 60,000 बिजनेस है एंड 100% ऑक्युपेंसी। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल लगभग 25 शोज एंड 38,500 यस्टरडे एंड आज है 27 शोज 60,230 प्लस नंबर है, बड़ा जंप देखने को मिला वेस्ट बंगाल में। तो आज हम ओवरऑल भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा खासा हमें जंप है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हरियाणा लगभग 30,000 के आसपास नंबर है एंड यस्टरडे 25,000, ठीक है अच्छा होल्ड है, इवन जंप भी है। राजस्थान 21 शोज एंड 20,330 और आज है लगभग 28 शोज एंड 43,700 10 प्लस नंबर है। तो ये लगभग डबल जंप हमें देखने को मिला आज, तो आफ्टरनून इवनिंग नाइट पे हमें जब यहाँ पे डबल देखने को मिला, तो या ये यहाँ पे सिंघम के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है और संडे काफ़ी बढ़िया जा सकता है। नेक्स्ट कर्नाटका ऑलमोस्ट नो शोज एंड 14,810 यस्टरडे एंड आज 8 शोज है एंड 33,730 प्लस नंबर है, डबल से हमें ज़्यादा जंप है वो देखने को मिला है। तो ये कुछ भाई मेन मेन स्टेट वाइज का नज़ारा है, तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी बढ़िया जंप है, नियरली 30% है ओवरऑल जंप। हाँ मुझे भाई थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा थी,
बट आज सैटरडे है तो मॉर्निंग शोज़ मैंने सुबह वाले एपिसोड में बताया भी था कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं जाएंगे। आज के इवनिंग एंड नाइट के शोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इवन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी जाने चाहिए। एंड 4.5 से 5 करोड़ मैंने बताया था एटलीस्ट, भाई इतना नंबर तो आज के दिन आना ही चाहिए। लेट्स सी, आप देखते हैं कि भाई इतना आ पाएगा या फिर नहीं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड अभी 5 बजे के आसपास, एडवांस बताएंगे संडे का, एंड साथ में 4 बजे तक टोटल ऑफ कितना भाई कलेक्शन हो चुका है एंड कंपैरिजन टू फ्राइडे, ओवरऑल हमें आफ्टरनून शोज में भाई कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, आयोग सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डेवाइस एडवांस हो गया, डेवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।